जी बताइए, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम रीना है। थोड़ा तेज बोलिए आप। जी मेरा नाम रीना है। आप थाने पे क्यों पिछले दो घंटे से बैठी हैं? इसलिए बैठे हैं कि हम घर पे अपने अकेले थे, मेरी मम्मी खेती में झाड़ सुखाने चली गई थी सुबह में 7 बजे, मेरे पापा मेरे छोटा भाई दुकान पे रहते हैं, सुबह में 5 बजे दुकान पे चले गए साहब, एक संजय तिवारी करके हैं, तो सुबह में हम खाना बना रहे थे अपने किचन रूम में, और सुबह में आके हमारे साथ छेड़खानी करने लगे साहब, हमारे घर में चौकी है, चौकी पे हमें उठा के पटक के हमारे साथ हमारा कपड़ा उपड़ा फाड़ दिए साहब, जब हम चिल्लाने लगे तो हमारे मुंह पे 2-3 लापा हमारे साथ, उसके बाद हमने उनके जब हमारा मुंह दबा दिया तो हम उनके दांत भी हाथ से काट लिए, अपने दांत उनके हाथ में काट लिए साहब, फिर हमारा कपड़ा उपड़ा खा रहे, तब तक मेरी मम्मी जब आई भाग गए। दिखाइए धोती का भी छोड़ नहीं, नहीं कुछ नहीं, हम सब छोड़ने को नहीं, इज्जत बिचारी का बाकी है हमारे पल्ले, इज्जत ना बाकी। तो मतलब आपसे शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया गया? बनाए नहीं है? बना लिए हैं साहब, हम मेडिकल कराने के लिए तैयार हैं, जब तक हम मेडिकल रिपोर्ट कराएंगे नहीं तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं, हम यहाँ जान दे देंगे चलेगा मगर हम जाएंगे नहीं। तो यशो विश्वजीत सिंह क्या कह रहे हैं? जी अभी तो जांच पड़ताल के लिए घर भेजे हैं। अच्छा देखो जी क्या होता है साहब, जब मेरी मम्मी आई, ये बताइए कब की घटना है? सुबह सात बजे वहाँ पे और लोग नहीं थे? नहीं साहब और कोई नहीं था, हम घर पे हमेशा अकेले ही रहते, बर्थडे हम अकेले ही रहते। वो पहले से ही आपके फिराक में पड़े रहते थे क्या? पहले से ही पड़े थे। अच्छा पहले से ही हमारे, इसके बाद और लोग वहाँ पे नहीं जुटे शोर मचाने पे? शोर मचाने पे सब लोग जुटा मगर सब लोग उसके शोर के वजह सब लोग शांत हो गए। अच्छा वहाँ पंडित पक्ष ज्यादा रहे क्या? सब पंडित पक्ष खाली, सिर्फ हम अकेले हैं या एक ही घर याद है? नहीं 3 घर तो लंबे लंबे और भैया मतलब यहाँ तो सब हम अकेले ही हैं।